एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ना हमारे कोला एंड बाड़ी का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे यहाँ पे क्या क्या भी लगा हुआ है, क्योंकि ना आज ही सुबह बारिश हुई है और अभी टाइम हो रहा है 10:55, 11 बजने वाले हैं। हाँ, है ना, तो 11 बजने वाले हैं और मस्त मौसम है, एकदम सुहाना सा। बारिश होने के बाद जो मौसम रहता है ना, वही है, बहुत सुंदर लग रहा है, नज़ारे बहुत सुंदर हैं। मैं आप सबको सारी चीज़ें शेयर करूंगी वीडियो पे, इन तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। ओके, जो कि मेरे मेहनत की है। कुछ चीज़ें तो मैंने अपनी मेहनत से लगाई हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें अब मेरे घर वालों ने लगाई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुचई लगा था, कुचई कट चुकी है। ये देखें, यहाँ पे और भी चीज़ें लगी हुई हैं, फ्लावर्स, और ये है पुदीने का पत्ता, बहुत सारे, है ना। और इसके बाद में टमाटर, जो कि ऑटोमेटिकली निकले हैं ना, ये लोग लगाए वगाए नहीं है, घर वाले नहीं लगाते हैं जी, ये लोग ऐसे ही निकले हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं ना, तो अच्छे से देखो ऐसे ही निकले हैं और पक भी चुके हैं काफ़ी, और मस्त है ना, देसी टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं। ए मनु छोटी, हर ये पक पक किसे बोला, तो कम से कम तोड़ दे कर, अरे वही कर रहे थे, जा टोकरी लेके आवे, मैं तोड़ना, जा टोकरी नहीं बेटा टोकरी वहाँ दो टमाटर रखे हो गए, अगर ऐसे ज़्यादा पक जाते हैं, देखो देखो दोनों ऑटोमेटिक टूट गए हैं अपने से, ठीक है, काऊ को तो दे सकते हो भाई। हाँ बढ़िया फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आऊँगी इधर, मेथी जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना आपको, मेथी यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन अभी सारे इधर उधर हुए हैं। और ये जो ये प्याज जो मैं बहुत खुशी से बहुत मेहनत से लगाई थी धूप मस्त से, इस दिन मेरी दीदी से थोड़ा फाइट भी हो गया था फाइट मीन्स उनके साथ नहीं जा पाई थी तो मुँह फुला ली थी तो ये देखें ये प्याज कितने मस्त से, अरे नहीं बेटा ऐसी मत करो ना, बारिश हो, हाँ आप क्या करोगे, आप ही तो जानबूझ के करा रहे हो। अब ये रही मेरी फाइनली फली, जो कि मैं बहुत ही खुश होकर बहुत मेहनत से लगाई थी, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, ओनली 5 लाइन, इधर 3 लाइन, जाते जाते 3 हो गया है, इधर आते आते 5 हो जाएगा तो ये है। और ये गुआवा मस्त था, इसमें फल भी आ गए थे लेकिन हमारे पापा कट कर दिए। ये वाला ट्री बहुत मस्त था, बड़ा हो गया था लेकिन कट हो गया, कट कर दिए लोग। और ये रहा धनिया, यहाँ पर भी एक धनिया है, इधर साइड में आप सबको दिखा नहीं पाई, रुको दिखाती हूँ, ये रहा धनिया, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। वो क्या कर रहा है साबू, बुलाओ तो साबू कैमरा में आएगा। और इसके बाद में ये मैंगोस, इधर साइड अभी मैं जा रही हूँ, इधर हो गया, अब इधर साइड दिखाऊंगी, लेफ्ट साइड, तो ये भी आम का ही पेड़ है। ये आम के पेड़ एक साथ कितने सारे गुच्छे हैं देखिए बेबी, इसी को खेत के मेड़ मेड़ में लगा देने से कितना अच्छा होता, हाँ यहीं पे बड़ा कर रहे हैं, फिर झुंझाट हो जाएगा पूरा, फिर कट कर देंगे, जड़ी से उखाड़ देंगे ये लोग, देखना ना वैसे ही होता है। कितने सारे मैंगो तो गिर गए हैं यार, कैसे गिरा वो यार, ये तो झड़ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो मस्त फला है ना, छोटा छोटा है, बहुत सुंदर लग रहा है, अरे वाह कितना प्यारा, मैं लेके जाऊंगी चटनी बना के खाऊंगी। हम लोग क्या करते थे ना, इसमें नाम लिख देते थे अपना, ऐसी मैंगो में जब लाते थे ना, अरे लाते थे ना खाने वाला मैंगो पक्का वाला, तो उसमें अपना अपना नाम लिखते थे ताकि मेरा नाम लिखा है तो मैं ही खाऊंगी वाला। ए मेरे टोकरे लेके आया छोटी, देना तो मैं आप सबको दिखाऊंगी तोड़ूंगी। सारे टमाटर इनके सबको वॉश करना पड़ेगा, बाकी पेड़ में ही रहने दे अगर वो होगी ज्यादा। हाँ बेटा तो मम्मा कच्ची है रे बाबू, ये कच्चे कच्चे टमाटर देखो तो कैसे गिर गए हैं बेचारे। ए मन छोटी रे, आमा मन गिर गई नहीं होला, कैसे कर बोजी, वो चटनी बनाने से बनेगा, बन जाएगा है ना, छोटा छोटा, ये देखिए मस्त फल है लेकिन जो झाड़ हो गया है, कलम करना पड़ेगा यार ये सबको, है ना बेबी, कलम करने से ना मस्त फल लगते हैं बोलते हैं, अब कौन करे कलम, कौन करे कलम कौन करे। हाँ जाइए और टोकरी को लेके आना बेटा, जाओ वहाँ पर भूल गई, इधर जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं प्याज लगाई थी, ये देखिए बेचारा प्याज, बेबी देखो तो मेरा लगा है प्याज, किसी को कोई परवाह नहीं है, साहब गिर पड़ रहा है, इधर उधर हो रहा है हाँ बेबी देखे ना, ये लो कितना मस्त से रखा हुआ है, और यहाँ का फेंका रहा है पूरा। और यहाँ पर लगा केले का पेड़, केले का पेड़, केले का पेड़, केले का पेड़,
मस्त दिख रहा है ना, लेकिन अब केले नहीं लगे हैं इसमें। इधर नींबू है, नींबू, और ये भी मैंगो ही। मैंगो तो दो तीन चार हैं, एक सागौन है शायद, नहीं सागौन नहीं है, सागौन बोलते हैं क्या इसको जिसके पत्ते से खुशबू आती है, सागौन ही होगा। और ये है अरहड़ जो कि मस्त से हुआ है, आधे सूख भी गए हैं, आधे गिर के यहीं पर झड़ रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर है फिर कॉटन, एक ही कॉटन का पेड़ है, और ये भी इसमें निकल भी गया है, लेकिन इसको लेने वाले कोई नहीं है, देख लो। अब बाकी सब कच्चे हैं। अरे छोटी कॉटन ला, कम से कम एक आध दिन कलेक्ट कर लेता मुनू, टाइम निकाल के देख तो सब गिरा थे। और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए ये क्या है, क्योंकि बाद में मैं घर वालों को पूछूंगी तो मुझे भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पता चल रहा है। और ये पेड़ जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये इमली का पेड़ है, बाकी मुझे एक इमली यहाँ पे मिली है, बाकी इसको लूँ कि नहीं लूँ, नहीं लूँगी हटा, किसी और का पेड़ है ये, ये इधर आ रहा है। अरे इमली का पेड़ को इधर से कलम करो रे, देख नहीं रहे हो सब झड़, दीवाल हमारा टूट रहा है उसकी वजह से, इमली की वजह से। इमली ना फ्रेंड्स, जादू टोना सबका प्रतीक माना जाता है। देखिए नींबू, नींबू भी फला नहीं है, लेकिन फलना तो चाहिए था, इसको भी कलम करते ना तो ज़रूर फलता है, लेकिन किसी के पास कोई टाइम नहीं है इसको कलम करने का, सच में इसको कलम करते ना तो मस्त फलता। छोटी रे, छोटी नहीं है, कोई नहीं है साथ। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे, आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय एवरीवन।